आदमी का बेटा, मैं प्रधानमंत्री मोदी हूँ। देखो रही सरकार ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया, नरेंद्र मोदी आए घंटा बजिया बजा दिया, शंख थाली घड़ियाल बजा दिया, मुस्लिम बहनें मुस्लिम माताएं बहनें बाहर निकली उनकी फोटो देख के कुछ मुस्लिम भाइयों ने तंज कसे, तुम अगर ईद मुबारक नहीं है तो सरकार ने ये लॉकडाउन क्यों खोल दिया, बम मनाए कोरोना के। भारत सरकार से सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, केंद्र सरकार से सबसे बड़ी गलती, घनी आबादी के घने शहरों में मानव बम बना दिए हैं, जैसे ढेर सारे उन मानवों को इकट्ठा एक जगह पे करके। तो बहुत बड़ा मुश्किल समय है, और इस मुश्किल समय में हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का जो अमन पसंद मुसलमान हमारा हमवतन साथी हैं सभी लोग, इस समय पॉलिटिकल ड्रामे में फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ उस पॉलिटिकल ड्रामे से बाहर निकल आइए, अब निकल आइए, रमज़ान की ख़रीदारी करिए, थोड़ी कम करिए, थोड़ा एहतियात बरतिए, थोड़ा सा शगुन के तौर पर अपने घर में थोड़ी बहुत ख़रीदारी ज़रूर करिए। एकदम क्लियर कट बोलते हैं हम डंके की चोट पे, यहाँ कोई नाटकीयता नहीं है, कोई नाटक नहीं है, एकदम खुली बात। सलमान खान पिक्चर में कहते हैं ना खुल्लम खुल्ला, अनिल उपाध्याय खुल्लम खुल्ला अपनी पूरी जिंदगी जब से पैदा हुए तब से जी रहे हैं, 40 साल का तो इतिहास गवाह है लखनऊ शहर का, लखनऊ शहर के कर्म मेरे। रमजान आप लोगों ने खरीदारी नहीं की, मार्केट बंद रहे, लेकिन जब आप सरकार खुद मार्केट खोल रही है, सरकार ने ट्रैफिक खोल दिया, बसों में ट्रकों में भरे भरे प्रवासी मजदूर पूरी दुनिया में आ चुके हैं, और प्रवासी मजदूरों की वजह से इस समय कोरोना वायरस का तूफानी विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में केवल मुसलमान होने की वजह से, केवल मुसलमान हैं अगर आप, और केवल इस वजह से कि आप रमजान में खरीदारी करते हो, आपकी फोटो खींची जाए, हम कह रहे हैं आज आप डंके की चोट पे, आप बहुत सी मुस्लिम बहनें मुस्लिम माताएं बहनें बाहर निकली उनकी फोटो देख के कुछ मुस्लिम भाइयों ने तंज कसे कि इस मौके पे इतने ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले की दी हुई आपदा है, आफत है, हो गया, समूह में भीड़ न लगाइए, एक साथ मत जाइए बाजार, अकेले एक दो लोग जाइए, दूर खड़े होके थोड़ी बहुत खरीदारी करिए, और बिल्कुल अपने आप को गम ज्यादा मत दिखाइए, खुश हो जाइए, खुश दिखिए, जो होगा देखा जाएगा। सरकार यही तो कर रही, सरकार ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया, नरेंद्र मोदी आए घंटा बजिया बजा दिया, शंख थाली घड़ियाल बजा दिया, संस्कृत के मंत्र शास्त्र पाठ करा दिया, सब कुछ करा दिया ना पूरे देश से, हमने भी अपने घर में घंटा घंटी बजा दिए, मोमबत्ती दिया सब जला दिए, सब हो गया। अब करने के बाद अंत में क्या आया, वही जो सबसे पहले उन्होंने आत्मनिर्भर बनिए, आप जिए या मरिए, आप बीमार पड़िए या कुछ करिए, आत्मनिर्भर बनिए। जैसे मुंबई की दशा इतनी खराब है और पूरे देश में जो दशा इतनी खराब हो गई है, आदमी अपनों के पास किस लिए पहुंच रहा है, इस बात को बड़े महत्व से समझिए, आदमी अपनों के पास किस लिए पहुंच रहा है। क्योंकि मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, जब मेरे ऊपर सिर पर यह अटैक हुआ था ना, जब मेरे सिर पर अटैक हुआ था तो KGMU के ट्रामा सेंटर हम ले जाए गए, वहां हमको मुर्दा मान लिया गया, डॉक्टरों ने कह दिया था ये तो मर चुके हैं, खत्म हो चुके, मतलब सांस नहीं मिली थी, कहीं हुए नहीं मिला था। तो इंस्पेक्टर वीएन सिंह इंस्पेक्टर बाजार खाला जी, उन्होंने जब मेरा पंचनामा करने के लिए मेरी बॉडी कलाई को पकड़ा, उठा रहे थे बॉडी मेरी, हाथ उठा रहे थे तो उन्हें हाथ में जरा सी नब्ज मिल गई, तुरंत यूं दिया गया। उस समय ट्रामा सेंटर में यह हुआ कि भाई इनके तो जान अभी बाकी, ट्रामा सेंटर में हमको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, हम तो होश में थे नहीं, हमारे परिवार के लोग थे। तो उस समय हमारे ससुर ने एक कागज पर लिखा, हम अपनी जिम्मेदारी पर अपने इस मरीज को लेकर के दूसरे अस्पताल जा रहे हैं, मतलब लिख के, अगर मेरा अपना कोई वहां ना होता, मेरा कोई रिश्तेदार नातेदार, तो कोई लिख के देने वाला होता ही नहीं। तो इसी तरह कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस आप लोग कह रहे हैं ना बहुत बड़ी संख्या में कि मुंबई में दिल्ली में बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में सुविधाएं हैं, इसलिए लोगों को यहां रुकना चाहिए, यहीं रुक के इलाज कराना चाहिए, लेकिन वहां पर उनके अपने नहीं है। गांव देहात में कोई एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही भले एक कंपाउंडर एक ड्रिप लगा देता है, अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन अपने होते हैं जो सिराहाने पे बैठते हैं। अब मुंबई में सोचिए जरा, कोई एक फैमिली मियां बीवी एक आध कोई बच्चा रह रहे हैं अकेले, और वहां पे आदमी बेचारा दिहाड़ी मजदूर है, आदमी दिहाड़ी मजदूरी करने चला गया, घर पे बचे बीवी बच्चे। अब वो एकाएक आदमी अगर कोरोना का शिकार हो गया तो उसकी खोपड़ी पे बैठने वाली सिर्फ उसकी बीवी, तो उसकी बीवी अपना बच्चा कहाँ छोड़ेगी, कहाँ करेगी, उन लोगों की परेशानी को समझिए। और वही लोग अपने गांव देहात में हो तो एक नहीं 10 रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं जो कोरोना होने के बाद भी उस मरीज के साथ पे उसके सिरहाने पर बैठे रहते हैं, उनको मालूम है कि इस मरीज के कोरोना है, लेकिन ये हमारा अपना है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारे बाप है, हमारा पति है, हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार है, इसलिए जो है ना सब लोग अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो
कोई ईद मुबारक नहीं इस बार, ये चार्मिंग अबूद लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि है 100% है। तुमको अगर ईद मुबारक नहीं है तो सरकार ने ये लॉकडाउन क्यों खोल दिया? सरकार लॉकडाउन क्यों खोल रही है? सरकार बाजारें क्यों खुलवा रही है? सरकार डील क्यों दे रही है? अभी तक तो ये था कि भाई बाजार थोड़े बहुत खुलेंगे रमजान के दौरान, अगर मुस्लिमों ने ज्यादा खरीदारी की, भीड़ मुस्लिमों की दिखाई दी, तो ये होगा कि जैसे जिस तरीके से जमात को दोषी ठहराया जा रहा था उसी तरह फिर मुस्लिमों को दोषी ठहराया जाएगा कि इन लोगों ने रमजान की खरीदारी के चक्कर में ये कोरोना जो है पूरे देश में फैला दिया। तो अब तो बात खत्म, अब तो प्रवासी मजदूर पूरे देश पर सारी चीजों पर भारी पड़ गए ना। अब जमात से ज्यादा कोरोना जो फैल रहा है वो तो प्रवासी लोगों की वजह से फैल रहा है ना। लोगों को आपने इकट्ठा किया, बम बनाए कोरोना के। भारत सरकार से सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? केंद्र सरकार से सबसे बड़ी गलती कि बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, जहां अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, मुंबई में जहां घनी आबादी है, घनी आबादी के घने शहरों में मानव बम बना दिए हैं, जैसे ढेर सारे उन मानवों को इकट्ठा एक जगह पे करके। धारावी जैसी जगह है, मुंबई की चौल है, ये सब सरकारें क्या नेता लोग जानते नहीं थे कि जहां पे घनी आबादी है, एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, वहां लॉक कर दिया पूरी तरह। अगर लॉक करने से पहले कहते कि हफ्ते भर 10 दिन का 15 दिन का समय है, ये शुरुआत में लॉकडाउन में आप सब लोग अपने अपने घर को निकल सकते हैं, ये लॉकडाउन 2-3 महीने तक खींच सकता है, तो सब शुरू में ही निकल जाते। जब शुरू में निकल जाते तो वो कोरोना के वाहक ना बनते। अब क्या हुआ कि एक जगह पे 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250 लोग इकट्ठे हैं, मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, लुधियाना में, पंजाब में, बड़े बड़े शहरों में जो कारखाने हैं बड़े बड़े बड़े, वहां एक जगह पे पता चला ढेर सारे प्रवासी मजदूर इकट्ठे रह रहे हैं, सरकार ने सबको लॉक कर दिया। अब वहां से जब वो पैदल निकले तो पैदल भी उनको एक जगह पे क्वारंटाइन कर दिया। अब क्वारंटाइन सेंटर से मौतों की खबर आ रही है। क्वारंटाइन करना यानी क्वारंटाइन शब्द एक कैदखाने की तरह बन गया है कि आपको पकड़ के क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 14-15-20-25 एक आध महीना के लिए, आपको एकदम कैदी बना दिया जाएगा, आप कहीं आ ना जा नहीं सकते। तो इसका भय रहा लोगों में और लोगों ने अपनी बीमारियों को दबा लिया होगा, पैरासिटामोल खा गए, कुछ भी कर गए, डॉक्टर के पास नहीं गए, यार जाएंगे तो क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे, कैदी बन जाएंगे, इससे अच्छा कम से कम यहां पे अभी 2-4-10 दिन चल रहे हैं, और ऐसी मौतें अब सामने आने लगी हैं। तो ऐसे में आप जो सरकार जो कर रही है ना, सरकार के साथ ही बन जाइए। सरकार ने आपको खुश होने का मौका दे दिया, खुश हो जाइए, मत होइए दुखी। क्यों जबरदस्ती आप सरकार, आपको सरकार के मंत्री कोई रोते दिखाई दे रहे हैं कि सरकार के कई सारे मुख्यमंत्री, कई सारे मंत्री रोज शाम को बैठते हैं मीटिंग कर, अरे बाप रे कोरोना की वजह से इतनी जनता मरी जा रही है, मैं मुख्यमंत्री, मैं मंत्री, मैं विधायक, मैं सांसद, मैं बहुत दुखी हूँ। रोने का नाटक किसके पास है? केवल एक माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। माइक पकड़ेंगे, भाषण देंगे, 2-2.5 घंटे, 3-3 घंटे के भाषण, एक एक दिन में 7-7-8-8 भाषण देंगे, और वहीं पे मैं चाहे वाले का लड़का, मैं साधारण परिवार, मैं तो एकदम गरीब आदमी का बेटा, मैं प्रधानमंत्री मोदी हूँ, मोदी जी का नाटक चालू हो जाता है पूरा। तो ये सारे के सारे विधायकों को, सांसदों को आज तो करना चाहिए ना, उनके मतदाता, उनकी जनता, 2 महीने का इतना तगड़ा लॉकडाउन हो गया, देश की स्थिति इतनी गंभीर है, तो सारे मंत्री, विधायक, नेता, इतने बड़े बड़े पार्टियों के सब रोते हुए क्यों नहीं नजर आते हैं? इन सबको रोना चाहिए। और जनता को कह रहे हैं कि तुम ईद मत मनाओ, रमजान की खरीदारी मत करो, तुम दुखी हो जाओ, तो जनता ही को तो आपने मौका दे दिया, बाजार आपने खोल दिए, गाड़ियां आपने चालू करे दे रहे हैं, बसें आप चालू करे दे रहे हैं, तो अब आप मुसलमानों को दोषी नहीं करार दे सकते, क्योंकि ये फैसला सरकार ने मुस्लिमों के बाजार में निकलने से पहले कर लिया।